हेलो एंड ग्रेट वेलकम। मैं हूँ एजुकेटर कविता और बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम हरियाणा जीके में करेंगे मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मिनिस्ट्री जो कि हरियाणा की है। कुछ टिप्स से ट्रिक्स से जानेंगे सो दैट कि ये इजीली हमें लर्न हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि सीएम ऑफ हरियाणा है, जिनका नाम है श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिनकी इमेज भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है मीन्स इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है करनाल के अंदर। और इनका जो मंत्रालय, कौन कौन से मंत्रालय इनके पास है पोर्टफोलियो, मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है फाइनेंस, दैट इज वित्त इनके पास है। क्योंकि देखिए जिसके पास वित्त मंत्रालय होगा वही बजट लेकर आएगा, और हमेशा की तरह अपनी हरियाणा स्टेट के लिए ये बजट लेकर आए हैं। और है इनके पास टाउन व कंट्री प्लानिंग, किस तरह से टाउन को प्रॉपर वे से प्लान किया जाए। जैसे कि हम देख सकते थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, बहुत अच्छी सी नगर योजनीय परियोजना थी जिसमें बहुत ही प्रॉपर वे से ड्रेनेज सिस्टम था, हर एक चीज बहुत ही वेल मैनेज थी। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर हो गया, एनवायरमेंट याचिका प्रशासन हो गया, कोई भी पटिशन लगाना, आवास यानी हाउसिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग, पब्लिक रिलेशन, आईटी वे सूचना, सिंचाई वे जल संसाधन यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट जो हो जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियो है वो खुद सीएम ने होल्ड किए हुए हैं अपने पास। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी को, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो है उचाना जींद के अंदर। पोर्टफोलियो कौन कौन से है देखिए, राजस्व यानी रिवेन्यू एवं आपदा प्रबंधन, आपदा मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट, ये डिपार्टमेंट है इनके पास। आबकारी एवं कराधान विभाग है, पशुत्व एवं संग्रहालय, संग्रहालय मतलब संग्रह जहां पर किया जाता है चीजों को, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं म्यूजियम। पुनः स्थापना रिहैबिलिटेशन हो गया, श्रम एवं रोजगार एम्प्लॉयमेंट का जो डिपार्टमेंट है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, खाद्य एवं आपूर्ति यानी फूड सप्लाई वाला डिपार्टमेंट, लोक निर्माण बी एंड आर जो हो गया, विकास एवं पंचायती विभाग, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, डेवलपमेंट एंड जो पंचायती राज से रिलेटेड जो है इलेक्शंस वगैरह। और पंचायती राज से मेनली देखिए यहाँ पर क्या रहेगा कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पंचायतों का गठन वगैरह होता है, और इलेक्शंस की बात करें तो वो स्टेट इलेक्शन जो होता है, स्टेट इलेक्शन के द्वारा कमीशन के द्वारा ये कंडक्ट करवाए जाते हैं पंचायती जो इलेक्शंस होते हैं। उद्योग एवं वाणिज्य यानी इंडस्ट्रीज एंड जो कॉमर्स होता है, नागरिक उड़ान मंत्री, और पुरातत्व जो हो गया आर्कियोलॉजिकल मतलब जो हो जाता है, और इनको एक तरह से अटैच डिपार्टमेंट दिया गया है जो अनूप जी हैं उकलाना से। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अनिल विज। अनिल विज जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है अंबाला कैंट, ये लगातार छठी बार चुन के आए हैं। और इसके साथ साथ आप याद कर सकते हैं ए और ए, ऐसे अंबाला है ऐसे अनिल विज है। कौन से इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है इनके पास, इनके पास होम मिनिस्ट्री है, इनके पास हेल्थ का डिपार्टमेंट है, इनके पास काफी लंबे टाइम से हेल्थ का डिपार्टमेंट, चिकित्सा का हो गया, आयुष का, यहाँ पे आयुष की फुल फॉर्म देख सकते हैं, ए से आयुर्वेदिक, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धहस्त और एच से होम्योपैथी, तकनीकी शिक्षा यानी टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो स्किल्ड एजुकेशन है मतलब तकनीकी और शिक्षा जो होगी वो भी इनके पास है, तो काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। गृह मंत्रालय जिसके पास होगा वो काफी पावरफुल, हम कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है ये अनिल विज जी के पास। नेक्स्ट हम देखते हैं जेपी दलाल, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है लोहारू, जो कहाँ पर पड़ता है भिवानी के अंदर है। और इनके पास कौन कौन से पोर्टफोलियो हैं, इनके पास मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे पास कृषि एग्रीकल्चर का, और बाकी जो पोर्टफोलियो इन्हें डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं वो भी कृषि से ही रिलेटेड है, लाइक पशुपालन का हो गया, डायरी का हो गया, कानून एवं विधायी, ये काफी इंपॉर्टेंट है यानी कानून लो का
और जो इस तरह से यहाँ पे इससे रिलेटेड जो मंत्रालय होंगे, मत्स्य यानी फिशरी डिपार्टमेंट यानी एग्रीकल्चर, क से कृषि हो गया, क से कानून हो गया, और कृषि में यहाँ पर पशुपालन और डायरी, और मत्स्य यानी फिशरी से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं। आगे हैं कंवर पाल गुज्जर, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जगाधरी यमुनानगर, और इनके पास जो पोर्टफोलियो है मोस्ट इंपोर्टेंट शिक्षा का। कंवर पाल गुज्जर मिनिस्ट्री संभालने से पहले, मीन्स इससे पहले ये एक तरह से स्पीकर की तरह भी काम कर चुके हैं, अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अगर हम करंटली अपने विधानसभा, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर की बात करते हैं, तो वो है ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो कि पंचकुला से आते हैं, और अभी करंटली कंवर पाल गुज्जर जी जो है जगाधरी यमुनानगर से हैं। इनके पास एजुकेशन है, वन है, पर्यटन टूरिज्म है, संसदीय मामले यानी पार्लियामेंट्री मैटर्स जितने भी हैं, एक तरह से स्टेट के केस में हम कह सकते हैं लेजिस्लेटिव जो भी मैटर्स हो जाते हैं, आतिथ्य सत्कार हो गए, ये सब चीजें जो हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ से ट्रिक बना सकते हैं कि जो शिक्षा लेंगे वो फिर पर्यटन के लिए जाएंगे कहाँ पर, वन में, फिर उसके बाद वो अपने संसदीय मामले जो होते हैं वो रखेंगे, और फिर उनको मिलेगा अतिथि का सत्कार। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रणजीत सिंह चौटाला जी, और ये सबसे हम कह सकते हैं कि उम्र दराज 70+ एज है इनकी, और सबसे हम कह सकते हैं कि ओल्ड जो यहाँ पर रही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जितने भी हमारे जो मिनिस्टर्स के डिपार्टमेंट है उसके अंदर। निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं तो रानिया, र से रानिया, र से रणजीत सिंह, लर्न करना इजी हो जाएगा। ये देवीलाल जी के सुपुत्र हैं और एक तरह से ये भाई भी हैं ओम प्रकाश चौटाला जी के। ऊर्जा से काम करेंगे, इन्होंने कहा था कि ऊर्जा पावर से काम करेंगे, तो पावर जो होती है बिजली, बिजली का जो डिपार्टमेंट है पावर जो है इन्हें दी गई है, एक तरह से बिजली मंत्रालय दिया गया है इन्हें। नवीनीकरण ऊर्जा जो होती है मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम कह सकते हैं सोलर एनर्जी का जो डिपार्टमेंट है, और जेल जो हो गया, जेल के विभाग से रिलेटेड जितने भी काम है तो ये भी इनको दिए गए हैं। रणजीत सिंह चौटाला जी जो कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के दादाजी हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं मूलचंद शर्मा, एमसी शर्मा जिनको हम कहेंगे, और इनकी जो निर्वाचन क्षेत्र है, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है बलरामगढ़, वल्लभगढ़, और ये कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद जिले के अंदर है। और इनको कौन कौन से पोर्टफोलियो दिए गए हैं, दैट इज द परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट का जो होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ट्रांसपोर्ट परिवहन जो मंत्रालय हो गया। कला एवं संस्कृति हम कह सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर का हो गया, किस तरह से हम अपनी आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं सो दैट कि हमारी आने वाली जो जनरेशन होती है वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर हो सके, मोटिवेट हो सके। कौशल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, स्किल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होती है, खनन एवं भूगर्भ यानी माइनिंग से रिलेटेड जितने भी पोर्टफोलियो है वो यहाँ पर आगे, भूगर्भ यानी धरती के गर्भ में यानी धरती के अंदर जो भी माइनिंग वगैरह होती है, तो वहां से हम कोरिलेट कर लेंगे। मूलचंद, मूल रूप से जो है परिवहन चलता है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं इनको। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर बनवारी लाल जी, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, निर्वाचन क्षेत्र है वो है बावल, और ये बावल पड़ता है रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी ये जो है हो जाएगा यहाँ पर, और ये रेवाड़ी जो है ये डिस्ट्रिक्ट है, पित्तल नगरी भी इसको बोलते हैं। पोर्टफोलियो है सहकारिता यानी कोऑपरेशन का, और SC BC कल्याण विभाग को ये संभाल रही है, और बावल जो है एक तरह से रिजर्व सीट भी है। मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है 17 जो रिजर्व सीट्स है उनको याद करने की, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट पर जाइए और हरियाणा जीके की लिस्ट से आप देख सकते हैं किस तरह से हम 17 रिजर्व सीट्स को लर्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज जो दिया गया है यहाँ पर है कमलेश ढांडा जी, जो कि आती है कलायत जीन से, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। पोर्टफोलियो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन्हें दिया गया है, और एकमात्र महिला है ये,
जो इस तरह से पोर्टफोलियो में जिनको शामिल किया गया है और जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं महिला से रिलेटेड, वो महिला को ही दिए जाएंगे। इससे पहले कविता जैन थी जो 2014 से 2019 तक जिन्होंने कार्यभार संभाला, लेकिन अब की बार वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत नहीं पाई हैं। तो इस बार जो चांस है वो कमलेश ढांडा जी को दिया गया है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कलायत जीन है। और इसके साथ साथ इन्हें अभिलेखागार भी दिया गया है, यानी इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं, हम कह सकते हैं कि जो पहले के टाइम में राजा महाराजा जो होते थे, एक तरह से लेख पे कोई भी चीज ऐसे लिखवा देते थे, तो इस तरह से अभी लेखागार, ये भी एक हिस्ट्री वाला हम कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ही इंक्लूड हो जाता है, जिसमें कुछ ना कुछ लिखवाया जाता था और फिर उनको फाइनली पढ़ा जाता था हिस्टोरियंस के द्वारा, और फिर वो काफी हमारी हिस्ट्री को और भी बेटर बनाते थे। नेक्स्ट इज ओम प्रकाश यादव जी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नारनौल महेंद्रगढ़। सामाजिक न्याय व अधिकारिता इनके पास है, सोशल जस्टिस, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण, उनसे रिलेटेड जितने भी नीतियां बनाई जाती हैं, तो ओम प्रकाश यादव जी नारनौल महेंद्रगढ़ से हैं। नेक्स्ट इज संदीप सिंह, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है पेहवा, और ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है कुरुक्षेत्र, जिसको धर्म नगरी भी बोलते हैं। और इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, खेल एवं युवा मामले। देखिए किस तरह से हम कोरिलेट करेंगे, क्योंकि ये हॉकी क्रिकेट के, इंडियन हॉकी जो है, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, इसीलिए इन्हें ये डिपार्टमेंट दिया गया है। और इसके साथ साथ ये युवा भी हैं, इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी सुरमा, जो कि इनकी लाइफ के ऊपर ही थी, बहुत अच्छी मूवी रही, काफी इंस्पायरिंग मूवी थी वो। और इसके साथ साथ प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, अब इसको थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए जब युवा एक तरह से खेलने लग गए और वो मेडल्स लाने लग गए, तो कहीं ना कहीं प्रिंटिंग में वो नाम उनका आने लग गया, प्रिंटिंग प्रेस में उनका नाम आने लग गया, और स्टेशनरी में हर जगह, कहने का मतलब है कि हर जगह उनको कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी मिलने लग गई। तो यहाँ से हम कोरिलेट कर पाएंगे। और यहाँ पर आप एक और इमेज देख सकते हैं, जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, सीएम होते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं कौन, गवर्नर यानी राज्यपाल। तो यहाँ पर राज्यपाल जी ही दिख रहे हैं हमें इमेज में, और शपथ लेते हुए संदीप सिंह दिख रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो गवर्नर होते हैं वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, संवैधानिक मुखिया होते हैं किसी भी स्टेट के। नेक्स्ट इज अनूप धानक, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है उकलाना, और ये कहाँ पर पड़ता है, हिसार के अंदर, हिसार जिले में है ये उकलाना। और इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, पुरातत्व एवं संग्रहालय। पुरातत्व क्या होता है, जितने भी पुरानी चीजें होती हैं उनको सर्वे करना, यानी जैसे हम कह सकते हैं कि राखी गढ़ी के अंदर सरकार ने कहा कि 5 करोड़ से भी ज्यादा का लोन, 5 करोड़ से भी ज्यादा का एक तरह से बजट बना के वहां पर एक म्यूजियम तैयार किया जाएगा, तो पुरातत्व तो यही हो जाता है, और वहां पे चीजों का संग्रह किया जाता है, तो ये डिपार्टमेंट इनको दिया गया है। श्रम एवं रोजगार, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो है, ये दुष्यंत चौटाला जी के साथ अटैच करके इन्हें दिया गया, और यहाँ पर हम देख सकते हैं अनूप धानक जी को। और यहाँ पे नेक्स्ट इज रणजीत गेट्स पावर दलाल एग्री, तो यहाँ पर न्यूज़पेपर्स की हेडिंग से लिया गया है, डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। देखिए अनिल विज होम मिनिस्टर हेल्थ, अर्बन लोकल बॉडीज, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी, एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनको दिया गया है, कवर पाल एजुकेशन, फॉरेस्ट टूरिज्म, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड हॉस्पिटैलिटी, मतलब आतिथ्य सत्कार, मूलचंद शर्मा ट्रांसपोर्ट, माइंस एंड जियोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आर्ट एंड कल्चरल अफेयर्स, रणजीत सिंह पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जेल्स, जेपी दलाल एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन एंड डायरिंग फिशरीज लॉ एंड लेजिस्लेटिव, बनवारी लाल कॉपरेशन वेलफेयर ऑफ एससी एंड बीसी। नेक्स्ट इज ओम प्रकाश यादव, एमओएस यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इंडिपेंडेंट चार्ज, सैनिक एंड अर्धसैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट आईएनडी इंडिपेंडेंट चार्ज, कमलेश ढांडा एमओएस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हम कह सकते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट,
आर्चाइव्स यानी अभिलेखागार जो हो जाते हैं, अनूप धानक, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट संदीप सिंह, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो होप सो आपने इस वीडियो को इंजॉय किया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनिए सब्सक्राइब करके। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।